नमस्कार दोस्तों, ये आस्क योर डॉक्टर का 28वां एपिसोड है। मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आस्क योर डॉक्टर में मैं उन क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ जो आप YouTube में मैसेज सेक्शन में मैसेज करते हैं और जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। दोस्तों, सबसे पहला सवाल है इस एपिसोड में मनोवर रहमान जी का। मैंने ADHD का वीडियो डाला था और मैंने बोला था कि ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 11 साल से लेकर 18 साल के बीच में रहती है और बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, बात बात में चिड़चिड़े हो जाते हैं और पढ़ने में मन नहीं लगता उनको, तो हो सकता है कि उनको ADHD हो। दोस्तों, उस कंडीशन में मैंने कुछ मेडिसिन बताई थी। मनोवर रहमान जी का कहना है कि अगर बच्चा 3 साल से लेकर 8 साल या 11 साल का है तो उसको ये मेडिसिन दे सकते हैं। अगर उसके लक्षण मिलते हैं ADHD से तो बिल्कुल। दोस्तों, जो मैंने ADHD के वीडियो में मेडिसिन बताई हैं वो मेडिसिन आप ज़रूर उस बच्चे को दे सकते हैं। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन भी इसी ADHD वाले वीडियो से आया है और शिल्पी सिंह जी ने पूछा है। वो पूछ रहे हैं कि 3.5 ईयर के बच्चे को ये मेडिसिन दे सकते हैं, तो बिल्कुल दे सकते हैं। और 3.5 ईयर के बच्चे को 2 बूंद की जगह 1 बूंद दीजिए, जैसे कैमोमिला 1 बूंद सुबह सुबह, स्ट्रामोनियम 1 बूंद रात में और रेस्क्यू रेमडी 30 1-1 बूंद सुबह शाम। तो दोस्तों, एक सवाल है रामदीप कौर जी का और उन्होंने पूछा है क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन स्लो वर्क करती है। तो दोस्तों, इसका जवाब तो हाँ है, लेकिन मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ कि अगर आप लाइकोपोडियम के पेशेंट हैं, आप बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग हैं, फिजिकली वीक हैं, आपका पेट हल्का बाहर निकला हुआ है, आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, आपको किडनी वगैरह की प्रॉब्लम है, तो मुझे लगा कि आप लाइकोपोडियम के पेशेंट हैं और मैंने जब लाइकोपोडियम दूंगा मैं आपको तो सिर्फ 30 पोटेंसी में शुरुआत करूंगा। तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देते हैं तो 30 पोटेंसी से शुरुआत करिए। 30 पोटेंसी सिर्फ एक बार दीजिए, आप सिर्फ एक बार लाइकोपोडियम ले रहे हैं और उसके बाद में हो सकता है कि आपको प्लेसिबो दूँ। अगर आप अच्छे से समझदार हैं तो मैं आपको प्लेसिबो भी नहीं दूंगा, बोलूँगा कि आप 10 दिन बाद आइए फिर मैं आपसे बात करूँगा। आप जब 10 दिन बाद आएंगे तो आप लक्षण बताएंगे कि मुझे ये फ़ायदा है, ये एग्रावेशन है, ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा। आप ये बताएंगे कि मुझे डाइजेशन में आराम है, थोड़ा सा मुझे अच्छा लगने लगा है और मुझे गैस कम बनने लगी है, लेकिन मेरी किडनी की प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुई है। मैं आपको बोलूँगा कि 10 दिन बाद फिर आइए और उसके बाद फिर 10 दिन बाद आप आएंगे तो बोलेंगे नहीं, मुझे अब यूरिन में भी आराम है और उसके बाद मुझे किडनी में भी थोड़ा सा आराम है, पेशाब भी ठीक होने लगी है, पेशाब में जो पस सेल्स आ रहे थे वो भी कम हो गए हैं, पेशाब की जलन भी कम हो गई है, पेशाब में जो लाल लाल आ रहा था, सफ़ेद सफ़ेद आ रहा था, वो भी कम हो गया है। तो ये सब आप बताएंगे 20-25 दिन बाद। उसके बाद फिर मैं बोलूँगा नहीं, आप 10 दिन बाद फिर आइए। तो लेकिन मैंने कभी भी इस दौरान आपको कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं की है, सिर्फ आपको लाइकोपोडियम एक बार दिया हूँ। उसके बाद मैं फिर आपको बुलाऊंगा, अगली बार जब आप आएंगे तो आप बोलेंगे नहीं, मैं काफ़ी अच्छा बेटर फील कर रहा हूँ, मेरा पेट काफ़ी हद तक साफ रहने लगा है, डाइजेशन भी सही है और मुझे अच्छा लगने लगा है, फील अच्छा कर रहा हूँ मैं और ऐसा लग रहा है कि मैं ठीक हो रहा हूँ, तो मुझे लगा कि नहीं ठीक है, लाइकोपोडियम काम कर रही है। और मैं फिर कोई भी डोज ना देके बोलूँगा 10 दिन बाद आप आइए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन धीरे धीरे वर्क करती है, एकदम से आपको इफ़ेक्टिवली बहुत तेज़ी से वर्क नहीं करती, लेकिन सारे के सारे जितने आपके पॉइंट्स होते हैं, जो आपकी बीमारी होती है, सारी की सारी बीमारी वो कवर कर लेती है। तो चाहे आपको हाथ पैर में दर्द हो, चाहे आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो, चाहे आपको किडनी की प्रॉब्लम हो, चाहे किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन अगर सही दी गई है, बिल्कुल सही कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है, तो वो पूरी बीमारी आपकी एक एक करके ठीक कर देगी, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। तो एक क्वेश्चन है श्रद्धा जी का, उन्होंने पूछा है क्या होम्योपैथिक मेडिसिन पीरियड्स के दौरान ले सकते हैं। तो बिल्कुल आप होम्योपैथिक मेडिसिन पीरियड्स के दौरान ले सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जैसे पल्सेटिला, वो आप पीरियड्स के दौरान ना ले तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी लगभग 90-95% जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं उनको आप पीरियड्स के दौरान ले सकते हैं। दोस्तों, एक सवाल है कुलकर्णी जी का और उन्होंने पूछा है कि कितने सिम्टम्स देखने के बाद हमें नक्स भूमिका देना चाहिए। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई एक पेशेंट आया है और मुझे लगता है कि नक्स भूमिका के सिम्टम्स काफ़ी सारे उसके अंदर हैं और मुझे लगता है कि उसको नक्स भूमिका देना चाहिए, तो उसके अंदर कितने सिम्टम्स होने चाहिए कि मैं प्रॉपर नक्स भूमिका उसको दूँ। दोस्तों, इस सवाल का आंसर ये है कि देखिए, अगर नक्स भूमिका की बात है तो अगर उसको डाइजेस्टिव सिस्टम के सिम्टम्स मिलते हैं, उसको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, उसको गैस की प्रॉब्लम है, खासकर वो अल्कोहल या वो ड्रिंक या वो
बहुत ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं, उसके बाद उनको डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम है, वो अच्छे से नींद नहीं ले पाते हैं। अगर ये दो तीन चार सिम्टम्स जो मेन सिम्टम्स हैं नक्स वोमिका के मिलते हैं किसी पेशेंट में, तो उसको नक्स वोमिका देना चाहिए। दोस्तों एक सवाल है हिना जी की तरफ से, और उन्होंने पूछा है कि मेरी कैट को, मेरे बिल्ली को जॉइंडिस हो गया है और उसका बिलिरुबिन काउंट जो है वो 7 है, तो कौन सी मदर टिंचर देना चाहिए। दोस्तों जहाँ तक रही मदर टिंचर की बात, तो चिलिडोनियम मदर टिंचर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है जॉइंडिस के लिए, और बिल्ली को भी दे सकते हैं। इस कंडीशन में मेरे हिसाब से बिल्ली को 10 बूंद देना चाहिए, थोड़े से पानी में मिला के अगर देंगे तो बिल्ली पी लेगी। दिन में 2 से 3 बार दें तो बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगा उसके लिए, जॉइंडिस के केस में, पीलिया के केस में। एक सवाल है रूपम जी की तरफ से, और ये सवाल काफ़ी लोगों ने पूछा है। मैंने नक्स वोमिका का वीडियो अपलोड किया था, आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों ने नक्स वोमिका का वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उनमें से काफ़ी सारे लोगों ने ये पूछा है कि अगर नक्स वोमिका एलोपैथिक मेडिसिन को एंटीडोट कर देती है, तो हम अगर एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो इसके साथ नक्स वोमिका ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। दोस्तों मैंने उस वीडियो में ये बोला था कि अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन खूब सारी खाते हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो उसको नक्स वोमिका पूरी तरीके से ख़त्म कर देती है। दोस्तों नक्स वोमिका एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट को ख़त्म करती है, ना कि इफ़ेक्ट को ख़त्म करती है। एक सवाल है नील लूफर जी की तरफ से, उन्होंने पूछा है कि बायोकॉम्बिनेशन 25 नंबर लेना सेफ़ है कि नहीं है गैस में, एसिडिटी में, क्योंकि बायोकॉम्बिनेशन 25 नंबर में साइलिशिया टोलवैक्स मिली हुई है। बायोकॉम्बिनेशन 25 नंबर लेना सेफ़ है, बिल्कुल सेफ़ है, चाहे उसमें साइलिशिया टोलवैक्स मिली हुई है। अब बायोकॉम्बिनेशन 25 नंबर एसिडिटी, गैस, इनडाइजेशन, अगर आपका पेट साफ़ नहीं होता, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, आपको गैस की प्रॉब्लम है, आपका पेट फूल जाता है, आपको डकारें आती हैं, तो बहुत ज़्यादा सेफ़ है, किसी भी पेशेंट को आप बायोकॉम्बिनेशन 25 नंबर दे सकते हैं। तो एक सवाल है विपुल जी की तरफ से, उन्होंने पूछा है कि डाइल्यूशन ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है कि बायोकॉम्बिनेशन ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। दोस्तों समझने की बात है कि डाइल्यूशन अलग चीज़ होता है और बायोकॉम्बिनेशन अलग चीज़ होता है। बायोकॉम्बिनेशन में बायोकेमिक साल्ट्स मिले होते हैं जो कि 12 होते हैं, को हम सुचलर साल्ट्स बोलते हैं। दोस्तों डाइल्यूशन होम्योपैथिक मेडिसिंस होती हैं और वो लक्षण के बेस पे दी जाती हैं। बायोकेमिक मेडिसिंस भी लक्षण के बेस पे दी जाती हैं, लेकिन अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है तो हम कैल्केरिया फॉस देते हैं। अगर आपके शरीर में किसी चीज़ की अधिकता है और आपके शरीर में ओवरग्रोथ हो रहा है, तो हम कैल्केरिया फ्लोर देते हैं। दोस्तों अगर आपको गैस की प्रॉब्लम है तो हम नेट्रम फॉस देते हैं। ऐसे ही बहुत सारी बायोकेमिक मेडिसिंस हम अलग अलग बीमारियों में आपको देते हैं दोस्तों। और जहाँ तक रही डाइल्यूशंस की बात, तो डाइल्यूशंस भी हम अलग अलग सिम्टम्स के आधार पर, अलग अलग लक्षण के आधार पर, अलग अलग बीमारियों के आधार पर हम देते हैं दोस्तों। दोस्तों जहाँ तक रही कि बायोकेमिक ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि डाइल्यूशन ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, तो दोस्तों अगर आपको मान लीजिए कि गैस की प्रॉब्लम है, तो मैं नक्स वोमिका आपको दूंगा 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह शाम, और मैं साथ में आपको नेट्रम फॉस 6x भी दे सकता हूँ, 6 गोली दिन में 3 बार। दोनों को अगर हम साथ में देंगे, नक्स वोमिका और नेट्रम फॉस, तो और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे गैस में दोस्तों। सो ये थे कुछ क्वेश्चंस, अब चलते हैं, खूब सारे फीडबैक आए हैं तो जल्दी जल्दी से मैं आप लोगों के अच्छे अच्छे फीडबैक्स ले लेता हूँ दोस्तों। सबसे पहला फीडबैक है मैमूमा बेगम जी की तरफ से, उन्होंने सिनेरिया मारिटिम आई ड्रॉप यूज़ किया था और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स उनको मिले, तो बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा फीडबैक देने के लिए। अगर आपको आँख की प्रॉब्लम है तो आप भी सिनेरिया मारिटिम आई ड्रॉप विदाउट एल्कोहल वाला, डॉक्टर रैकवैक वाला आप यूज़ कर सकते हैं। 2 बूंद आँखों में दिन में 2 बार डालिए, दोनों ही आँखों में डालिए दोस्तों, लगातार आप डालेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपकी आई साइट बहुत ही अच्छी हो जाएगी और जो आपकी आई साइट कमज़ोर हो रही है वो ठीक हो जाएगी दोस्तों। दोस्तों एक फीडबैक है प्रताप कुमार महाराणा जी की तरफ से, उन्होंने एक पेशेंट को नेजल पॉलिप की मेडिसिन मेरी दी थी और 90% आराम लग गया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा फीडबैक देने के लिए दोस्तों। सो एक फीडबैक आया है सई कांत दास जी का, वो अपने ऑफिस में मेरी बताई हुई मेडिसिन एक्यूट कंडीशन में, क्रॉनिक कंडीशन में देते हैं और बता रहे हैं कि 90% पेशेंट्स उनके ठीक हो जाते हैं जो मेरी बताई हुई मेडिसिन देते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि इतना अच्छा होम्योपैथी को हम बढ़ा रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं, तो इतना अच्छा फीडबैक देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। एक फीडबैक है कीर्ति कुमार जी का, वो बोल रहे हैं कि आपकी बताई हुई फीवर की मेडिसिन
कोल्ड की मेडिसिन, कफ़ की मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और मैं अपने परिवार में देता हूँ, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और हमेशा मेरे परिवार के लोग ठीक हो जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद होम्योपैथी को बढ़ाने के लिए और इतना अच्छा फीडबैक देने के लिए। दोस्तों, एक फीडबैक है एम मधु जी की तरफ से, उनका बैक एक और बल्जिंग की प्रॉब्लम थी, स्पाइनल की प्रॉब्लम थी और वो 20 दिन से मेरी मेडिसिन ले रहे हैं और काफ़ी आराम लग गया है उनको, तो मुझे थैंक यू कहा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा फीडबैक देने के लिए। दोस्तों, एक फीडबैक है मोहम्मद फाहिम जी का, उन्होंने बोला है कि आपकी अस्थमा की बताई हुई मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगता है कि आप लोग इतना अच्छा फीडबैक देते हैं। दोस्तों, तो एक फीडबैक है कुसुम गुप्ता जी की तरफ से, वो एक डॉक्टर हैं और उन्होंने लगभग 50 पेशेंट ठीक किए हैं किडनी स्टोन के मेरी बताई हुई मेडिसिन से। दोस्तों बहुत अच्छा लगता है कि 50-50 पेशेंट किडनी स्टोन के मेरी बताई हुई मेडिसिन से आप ठीक कर रही हैं। आप एक डॉक्टर हैं, मैं आपको बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ, आगे आपकी क्लिनिक बहुत अच्छी चले और आपके क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट्स आएँ और आप ऐसे ही होम्योपैथी को आगे ले जाएँ। दोस्तों एक फीडबैक है हेमा सिंह जी की तरफ से, वो बोल रही हैं कि बहुत ही चमत्कारी है आपकी मेडिसिन गैस की, तो बहुत ही अच्छा लगता है आप लोग इतना अच्छा फीडबैक देते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया तो उसको दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया तो उसको भी दबा दीजिए, उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो मेरे वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपको किसी तरह की बीमारी है जो आप इतने सारे प्रॉब्लम्स मुझे बताते हैं, तो मेरे चैनल में जाके उन प्रॉब्लम्स के रिलेटिव वीडियोज़ भी देखिए और साथ में उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी जानिए। तो नीचे एक शेयर का बटन है तो अपने फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, नीचे एक कमेंट सेक्शन है तो मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा, और आपको अगर बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिमाग में आ रहे हो तो ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा, मैं अगली बार आस्क योर डॉक्टर में आपके क्वेश्चंस ज़रूर लाऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।